ओके ओके सुनिए तनिक सुनिए तो भाई जब से जीतू भाई के साथ आया हूँ ना चाय मतलब घर पे पीता नहीं था अब दो दो बार चाय पीनी पड़ती है। नहीं पी लेता हूँ यार थोड़ी सी। तो अभी हम सारे रेडी होने वाले हैं फिर हम जाने वाले हैं जय वैली और भाई जी भी आ चुके हैं। बस सही है सही है कोई नहीं भाई जी ने अपने थोड़े कैमरा चाहिए तो इसलिए भाई जी कैमरा चाहिए ठीक है। मतलब चाय शाय पीते हैं देन मैं आपको ना एक अच्छी वाली शक्ल के साथ नहा के मिलता हूँ सही है ना। जीतू भाई देख कितना मस्त है दूसरी बार चाय पकड़ लिया है ना बंदे उधर कप दिखाना देख अद्धी अद्धी पी अद्धी पी मैंने ओह माय गॉड ऐसा हो सकता है आर्ष भैया ना सही है चलो। तो हेलो इंडिया सुप्रभात की हाल चाल कैसे हो आप सब हम सब बहुत ज्यादा बढ़िया है। नए ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है बदर वॉकिंग खूबसूरत वादियों से जम्मू कश्मीर में आम आपको सारा पता ही है। वैसे मुझे पता नहीं मैंने गुड मॉर्निंग पहले बोला या नहीं बोला मैंने बोला चलो फिर से बोल देता हूँ और अभी ना पोपट हो गया यार। कल ना मेरा जो मैं मेमोरी कार्ड में वीडियो बना के आया था ना ऊपर से नीचे इतनी खतरनाक वाली मूवमेंट थी उसमें एक सीन था जिसमें मैं ना मतलब चक्की दिखा रहा था पानी से चलने वाली भाई वो सारा मेमोरी कार्ड ही करप्ट हो गया आज नया लेना पड़ेगा। इसकी वजह से पिछला वाला ब्लॉग ना छोटा हो चुका है थोड़ा ठीक है। मेरे दोस्त सारे नहा के ना निकल चुके हैं जम्मू वाली सिस्टर जी प्लस उनके हस्बैंड हमारा कब से वेट कर रहे हैं यार। उन्हें हमने उन्हें बोला था सुबह ना मतलब हम 10 बजे रेडी हो जाएंगे और आपको पता है ना सुबह 4 बजे सोए मतलब लिटिल बिट थोड़ा 1 घंटा ज्यादा लग गया बाजी को हमने वेट करवाना पड़ा ठीक है। अभी नीचे जाने वाले थे अर्श भाई को याद आया कि हमने ना वहां पे कुकिंग करनी है तो इसलिए ना मसाले भी लेके जाना है। जीतू भाई की अपनी टेंशन खत्म नहीं हो रही हो भाई मेरी हेल्प करवा मसाले ढूंढ के बताओ मुझे मसाले। हाँ उसने बोला 2 पैकेट है प्लस उसकी केबल लेके जाना है यार सामान नहीं पता किधर है। अरे बाप रे खुल जा भाई। भाई जी और कुछ लेके नहीं आना सिलेंडर हो गया आग जलाएंगे। अरे नहीं आग फिर आज बारिश होगी आग नहीं जलेगी सिलेंडर उठाना है। अच्छा उठा लिया वाले ही और क्या क्या लेना है टूल किट। भाई एक बार ऊपर आ जा साथ में लेके चलते हैं सामान। मुझे बता केबल भी आ गई पावर बैंक भी आ गया मसाले सारे आ गए टूल किट बची है ना आ जा जल्दी फिर। एंड भाई सुबह का कुछ ऐसा नजारा है पहले ना धूप निकली हुई थी पर अभी ना फिर से बादल आ चुके हैं बट फिर भी ठंडा वाला मौसम है यार चिल्ड वाला। और हमने ना जैकेट भी पहन लिया है क्योंकि जहाँ पे हम जा रहे हैं ना जय वैली कुछ ऐसा ही है यहाँ से होगा कम से कम 50 किलोमीटर वहां पे ना मौसम तगड़ा वाला ठंडा होगा और बारिश होगी ना फिर आपको बताया 3 दिन से बारिश में भीग रहे हैं कुछ ऐसा ही है ना अर्श भैया। ओहो मैंने अनाउंसमेंट करा स्पीकर पे कि भाई अपनी अपनी जैकेट ले लीजिए जो बदरवा घूमने के लिए आए हैं। हैं स्पीकर हर चौक पे लगा है यहाँ पे चौक पे लगा। ओहो सुन यार अर्श भाई कितना सोना मुंडा लग रहा है ले शांत हो गया 2 मिनट में गुस्सा। चलिए आश भाई कितना सुंदर लग रहा है यार। बस ज्यादा तारीफ नहीं पहले एक बात है मैं तो सुंदर लग रहा हूँ पर ये होता तूने जैकेट उल्टी क्यों पहनी है। उल्टी है हाँ जो धोती पहन सकता है वो ये भी पहन सकता है पर उल्टी क्यों पहनी है ठीक है हमें कौन सा किसी ने देखना है ये बात भी सही है। फोन हो गया क्या नहीं होता तेरा चल भरा सीधा सामान गाड़ी के अंदर ही रख लेते हैं ना। पहले मैंने सोचा हुआ था भाई अपनी जम्मू वाली भाभी जी है ना वो भी साथ में चलने वाले हैं मतलब सारे साथ मिलके ना मस्त वाली पार्टी करेंगे कुकिंग करेंगे बट उन्हें ना छुट्टी नहीं मिली है इसलिए हमें ना चारों भाइयों को एक साथ जाना पड़ रहा है। चलो ठीक है भाई सोच है ना किधर बैठ गई तुमसे बात खंबे से बात खंबे से बातें कर रहा हूँ उधर कैमरा लगा नीचे लगा थोड़ी है भाई अभी निकल चुके हमने सब्सक्राइबर भाई जी के साथ आज का दिन ना आप ऐसे बोल सकते हो ए डे विद ए डे हिंदी में ठीक है ना एक दिन अपने सब्सक्राइबर जी के साथ कुछ ऐसा ही है। वैसे तो भाभी जी आने वाले थे पर उन्हें ना छुट्टी नहीं मिली है कुछ ऐसा ही है ना भैया जी। ये तो अभी आते ना खाना शाना बनाते फिर थोड़ा हंसी मजाक होता है क्योंकि वो ना जम्मू से हमारी लोकल भाषा में बात शायद होती कितना अच्छा लगता है ना पर ठीक है यार भाई जी से कर लेंगे हिंदी में हिंदी भी चल जाएगी। मुझे ना ऐसा लग रहा है कि वो सामने जो चोटी दिख रही है ना बर्फ वाली भाई दिख रही है या नहीं वो सामने वाली हम वहीं पे जा रहे हैं मुझे ऐसा लग रहा है बाकी पता नहीं उधर जा रहे हैं भैया नहीं, नहीं, नहीं। जय वैली किधर है फिर वो दूसरी साइड है वो उस साइड है उस तरफ वो पहाड़ी के ऊपर हाँ जी
भाई सामने जो पहाड़ी दिख रही है ना, शायद ये तो 35 किलोमीटर नहीं है, ये तो 10 किलोमीटर होगी। हम ना इससे भी आगे जाने वाले हैं। और भाई जी ना काफी टाइम से बोल रहे थे आपको ना वो भी कवर करना चाहिए, और फिर हमारे गुरखा वाले भाई ने भी कॉल करा कि भाई आपको वो कवर करना चाहिए। हमने सोचा चलो भाई इतना किस्मत लेके जा रही है तो चले जाते हैं। सही है ना अर्श भैया? हाँ बोलो। मैं तो किस्मत ना ही चलता। हाँ वो मैं ही हाँ, है ना, मतलब तू मेरी किस्मत है। हाँ जी हाँ जी। उनके संबंध में ये पार्टी पूरी का है। भाई अभी ना भाई जी ने हमारे लिए स्पेशल गाड़ी रोकी है। वो क्यों रोकी है? एक मिनट मुझे सीट बेल्ट खोलने दो। मुझे बता, आपने नोटिस करा होगा अंकुश ने पहले नहीं पहनी थी, बट बाल में पहनी। अरे खुल जा सिम। पता क्यों रुके हैं भाई? क्योंकि यहाँ से वो बदरवा का नजारा दिखता है ना, आप ना मेरे फैन हो जाओगे भाई। जे देखो मेरे दोस्त, कुछ ऐसा नजारा दिखता है बदरवा का। और भाई कल शाम को ना हम सारा ही घूमने के लिए आए थे, यहाँ पे एक पार्क भी था। उस टाइम थोड़ा बहुत शूट करा, जैसे मैंने बताया कि कल शूट करा था, सारी मेमोरी कार्ड ही डिलीट हो गया। उसके बाद ना मन थोड़ा खराब हो गया ना। हर्ष भाई, हर्ष भाई तो इधर है। हैं जीतू भाई? हाँ जीतू भाई तो आज मेरी बाइक लेके चल रहा है। मजा आ रहा है ना चलाने में? मजा पूरी पिकअप है। अच्छा है ना? तेरे मतलब साइज के हिसाब से ना बाइक सही है। दूसरी वाली बाइक के ऊपर ना तो जुर्म करता है, पता है? जोकर नहीं, जुर्म, जुल्म। बाइक पर जुल्म लगता है। हाँ बेचारी छोटी सी है। चलो भाई अभी हमें जाना है 30 किलोमीटर। एंड कुछ ऐसा नजारा है, मैंने सोचा आपको दिखा दूं यार। एंड बादलों का नजारा कुछ ऐसा है, यहाँ पे सारा ना क्रिस्टल क्लियर ही नजर आता है। भाई अभी ना हम आगे पहुंच चुके हैं, पर जीतू भाई के लिए वेट करना पड़ता है हमेशा। भाई तू तो लेट क्यों हो गया? हम पीछे आधा घंटा वेट करा तेरा। अरे गोप्रो फिर से यार। पता क्या, वो भाई जी को वेट नहीं करवाया करना, वो मतलब इतना वो हमें तो नहीं बोल रहे, पता नहीं क्या सोच रहे होंगे ना। तो आप चलते रहो ना, मैं बाइक पे हूँ। नहीं भाई फोन तो गल्ला करने की रोड है, बंदा चलता रहे। तेरा फोन भी फोन पे होती है, और कभी देखा गोप्रो पे बातें होती है? हम तो गोप्रो पे बातें करते। चलो ठीक है भाई, अभी हमने ब्रेक लिया है क्योंकि हमें ना कुछ खाना भी है, थोड़ा बहुत परांठा शांठा, देन निकलते हैं। क्योंकि अभी अभी जाना है 30 किलोमीटर आगे, फिर हमें कुकिंग करते करते भी शाम हो जानी है। हाँ मैं कर दूंगा कुकिंग, टेंशन ना ले। मार क्यों रहा है, चल भरा चलो। और जे देखो भाई जीत, अर्श भाई तूने अखरोट के पेड़ देखे वाले? ये देखो अखरोट लगे हुए हैं भाई यहाँ पे, कितने सारे अखरोट तो देखे नहीं किसी ने कभी। जैसे वो लगते हैं ना अमरूद से, वैसे लगे हुए हैं भाई, बहुत सारे हैं यहाँ पे। कुछ ऐसे अखरोट लगते हैं, और एक पेड़ पे ना कम से कम कितने 3-4 क्विंटल तो लगते होंगे भाई यहाँ पे। ठीक है, साइड पे हर जगह अखरोट के पेड़ होते हैं, लोग तो माला माल है यहाँ पे। अनर्श भैया, तो भाई अभी ना अपना जय वैली बचा है 2 किलोमीटर ओनली, और जो फूल थे ना मैंने आपको पहले दिखाए थे वो दिखना शुरू हो चुके हैं साइड पे। एंड कितने मस्त लग रहे हैं यार। और काफी सारे भाई लोग कमेंट कर रहे थे इन वाले फूलों की ना, मतलब कोई टहनी नहीं तोड़ के लेके आना, जहाँ इनका बीज होता है ना भाई। मैं आपको पहले बता दूं, ये ना जंगल में अपने आप उगते हैं नेचर के थ्रू, इसकी ना कोई बीज होता है ना कोई इसकी टहनी लगती है, कुछ ऐसा ही है। वैसे बीज निकलता होगा बट मुझे अभी पता नहीं है, बट भाई जी ने मुझे बताया था कि नेचुरली पैदा होते हैं एंड नेचुरली खत्म हो जाते हैं। बट इनकी एक खासियत है, अगर आप इनके पास ज्यादा टाइम रुकोगे ना ये ना मुरझा जाएंगे। वो टिकट भी लगती है, फिर पहली बार खा के देखेंगे भाई। लोकल लोगों ने ना थोड़ा बहुत बनाया हुआ है यहाँ पे चेक पोस्ट। अर्श भाई छुट्टे हैं? हाँ है मेरे पास, बताओ कितने रुपए दे रहे हैं? 20 रुपीस लेंगे भैया। कोई नहीं ना, ये लो ना 20 रुपीस लेना अर्श भैया। आंटी जी पर्ची तो दे दियो। हैं पर्ची क्या करनी? ऐसी है फर्जी, इन्होंने खुद से बना के रखी है ये। अच्छा बाकी आपको लगता है गवर्नमेंट के ये इधर के गुज्जर हैं? सही है यार, आंटी ने अपना ही टोल टैक्स बना दी यहाँ पे। पर्ची दे नहीं रही पर्ची भाई, मैं भी बोलूंगा आंटी पर्ची तो दे, पुरानी दे दी आंटी जी। ओके जी देख ले, पढ़ो। पढ़ना क्या है, ये तो पुरानी है कोई आंटी जी। बदरवा डेवलपमेंट अथॉरिटी ऐसी फर्जी दी है इसने। फर्जी है ना? तो भाई लोग जल्दी जल्दी पहुंच चुके हैं हम जय घाटी। कुछ ऐसा नजारा है बिल्कुल यहाँ पे।
अभी ना हमने कोई शांत वाली जगह ढूंढी हुई है, नहीं तो आसपास ना क्राउड बहुत ज्यादा है। हमारी तरह ना बहुत सारे लोग आए हैं जम्मू से घूमने के लिए, जम्मू से यहाँ पे घूमने के लिए कुछ ऐसा ही है। और ये वाली जगह हमने चूज करी है, यहाँ पे टेंट भी लगाएंगे और कुकिंग भी करेंगे मजे से। एंड शाम को 7-8 बजे निकलेंगे ना भाई जी, मतलब बारिश आ जाएगी डेफिनेटली। क्या हुआ जी? सुन ये जगह बहुत सही है, बताए यहाँ पे फूल के पौधे भी हैं, थोड़ी कुकिंग करेंगे यहाँ पे, मैं सफाई कर देता हूँ, यहाँ पे कुकिंग करेंगे, फूल पौधे कितने मस्त आएंगे ना। एंड इसकी ना भाई ना बीज हमें पता है, ना इसकी टहनी लगती है भाई, लगता है कुछ इसका नाम पता है। ना इसका नाम पता है भाई, बहुत सारी डिमांड आई है इस वाले पौधे की कि हमें चाहिए पौधा। तो भाई ये वाली जगह हमने चूज करी थी ना, बिल्कुल साफ कर दी हमने सभी ने मिलके। और अभी हम जा रहे हैं जंगल में ना थोड़ी बहुत लकड़ी लेने के लिए, क्योंकि हमारे पास ऐसे सिलेंडर भी है, पर यहाँ पे ना काफी सारे वो पेड़ ना गिरे होते हैं, वो ना बाद में सारे मिट्टी में मिल जाते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि नया पेड़ काटेंगे भाई, ऐसा कुछ नहीं है, मतलब हमने सही वाला मैसेज देना है ना। चले जो गिरा होगा ना नीचे, मैं नीचे वाला भी सही वाला मैसेज दे रहा था। कौन सा? अगर कोई आए तो कूड़ा अपने साथ ले जाए। हाँ जरूर, बिल्कुल भाई। एंड भाई जी नेल कटर लेके आए हैं, पर नेल कटर बेकार है, नेल कटर यार। लकड़ी ना हमारे लिए इसलिए खास होने वाली है क्योंकि ये वाली लकड़ी ना अगर गीली होती है ना तब भी जलना शुरू हो जाती है। कौन सा पेड़ है ये? पाइन ट्री। हिंदी में हाँ? चीड़ का पेड़। छोड़ दो, रहने दो। चीड़ का पेड़ है ना भैया ये? चीड़ है ना। और देवदार क्या होता है? देवदार। देवदार के बड़े बड़े पत्ते होते हैं भाई। आम की कुल्हाड़ी है, किसी काम की नहीं है। ये ठीक है भैया जलाने के लिए ना। ये नहीं जलेगा, सब जलता है यहाँ पे, इसमें तेल होता है। तेल कौन सा? मिट्टी का। चलो भाई जो जिनके बच्चे हैं वो निकल जाओ यहाँ पे। भाई ये कुल्हाड़ी ना कोई काम की नहीं है, बस नाम की कुल्हाड़ी है ना। इसके पता, इससे पता क्या खोल सकते हैं? चाय पत्ती का पैकेट। तो चलो भाई लकड़ी शकड़ी, ओए लकड़ी शकड़ी इकट्ठी हो चुकी है। चलो अभी कुकिंग करना शुरू कर देते हैं, पानी भी वहां से लेके आना है। एंड मुझे पता है आपका भी ड्रीम हो रहा होगा, पूरी फैमिली के साथ ऐसी जगह पे आए, फिर कुकिंग करें, थोड़ा बैठें, वादियों का नजारा लें। ठीक है, एनीवे आपका दिन भी आएगा कब। भाई अभी ना पूरा इतने ज्यादा टाइम लगा के हमने लकड़ी इकट्ठी करी, फिर ईंटें लेके आया, और बाद में बारिश शुरू होगी, मतलब जे सारा का सारा ना दर्रा रह जाना है, और हमें ना टेंट के अंदर फिर गैस से खाना बनाना पड़ना है ना। अर्षा अपनी पोजीशन लेके पहले बैठ चुका है, दो बंदे गए हैं पानी शानी लेने के लिए। देन स्टार्ट करते हैं भाई। मैं भी सोच रहा था सामान सारा निकालूं, अब मैं सोच रहा हूं सामान इसके अंदर निकालने से अच्छा फिर भरूंगा। चल एक काम करता हूं, टेंट के अंदर ही निकालता हूं। सुन मैं टेंट भी लगा देता हूं साइड पे। टेंट ही लगा देते हैं, टेंट के अंदर सामान डालते हैं, सीधा टेंट में बनाते हैं। नहीं बारिश नहीं है यार, मौसम दिखने में ना पूरा साफ ही है, बट पता नहीं कहां से छोटी छोटी बूंदे आ रही है, दिख रहा है ना पूरा साफ है। टेंट लगा देते हैं, मैं लगा देता हूं। तो भाई हाँ। सामान धोना भी है पहले, है ना। हाँ, वो पानी तो ले गए। तो ये पानी यूज नहीं करेंगे? इस पानी से धो सकते, कोई दिक्कत नहीं है। चल ठीक है मैं टेंट लगाता हूँ फटाफट, है ना। हाँ। ओके यार एक काम कर दो, पूरा धो के लिया टमाटर, बस टमाटर काट दूंगा। दे यार एक बात सुन। सुन चक्कू ही नहीं है, टमाटर काटूंगा कैसे यार? चक्कू भैया लेने गए थे, चक्कू भैया लेकर आ रहे हैं। दुनिया में कितना गम है। तू एक काम कर इसमें, अच्छा तू क्यों करे, मैं ही कर देता हूँ इसे। मैं सारा थोड़ा धोते और पागल ये बाहर निकाल रहा हूँ, ये सारा धो के ले आता हूँ। खाना तो सारा ही है, मिर्ची भी खानी है, भी खाना है। हाँ। सही है ना? तो ये नहीं है और थैली है, ये रहा प्याज और टमाटर और। चलो भाई ये हमारा पानी है। ये हमारा पानी है, पहले मैं हाथ धो लेता हूँ सबसे पहले, सही है ना। और भाई ये भी धोना है अर्श भैया? ओके खुम्बे नहीं धोनी है उसने बोला। भाई मौसम का पता नहीं चल रहा है ना, धूप निकली हुई है कड़ाकेदार। नहीं नहीं धूप निकली है कड़ाकेदार, आप लोगों ने जैकेट पहनी हुई है। भाई इनका हौसला है, जैकेट क्यों पहनी है, बड़ी गर्मी है माँ कसम यहाँ पे। काम करते कुछ नहीं लगता गर्मी से। ठीक है पर हम ही बेले हैं। पानी क्यों लाया ना? पानी में पानी फेंक देता। ओ सॉरी, ये समझ में है खुम्बे कैसे धोए बार बार से। खुम्बे मैंने सोचा इधर धोते हैं साफ पानी से, वो भी साफ ही है।
पर समझ में नहीं आया खुम्बे का पैकेट बाहर से धोने का कैसे रिश्ता, अंदर से धोना है। कैसे कैसे प्राणी है यार इस देश में। मैंने बोला खुम्बे को हवा लग जाएगी, मैंने खुद हाँ जी घोड़ा है घोड़ी है घोड़ा ना यार घोड़े पे नहीं बैठना, अभी एक ही बार बैठेंगे घोड़ी पे। बड़ी लंबी सांस ली तूने, वो शादी पे बिठाएंगे पागल, शादी पे बिठाना है तुमने। हाँ जी घोड़ी में नहीं बिठाते, आ जाएगी दो तीन अर्श। अच्छा अर्श मुझे काटने दे, तू बड़ा बंदा आलसी है, तू बड़ा बिल वो है तुझे उठाना था ना यहाँ से। क्या आदमी है क्या कर रहा है यार, प्लेट टूट जाएगी यार। देख ऐसे सब्जी के साथ मजाक मत कर, स्वाद बनाना या तो नहीं बनाना है, बढ़िया ब्रीक कट ऐसे मत काट, ब्रीक कट रहा है, मजाक ही करता। मुझे बाद में पता चला ये लकड़ी काटने वाला नहीं है, ये तो सब्जी काटने वाला है। तो काट ही नहीं है, प्याज सही काट रहा है। देख सेफ की तरफ। तो अभी भाई फाइनली हमने अपना चूल्हा जलाना शुरू कर दिया है, बस अभी ना बारिश वाले बादल भी उठ चुके हैं और चूल्हा अभी थोड़ा बाद में जलाना है क्योंकि प्याज और काटने में ना प्याज लहसुन नहीं है, प्याज टमाटर काटने में थोड़ा टाइम लग जाता है। ले भाई चूल्हा तैयार हो चुका है, चारों तरफ से कवर है। अर्श भाई मैं खुद आग लगाऊंगा, ठीक है? आग तो वैसे भी नहीं लगानी, जब खाना बनाना स्टार्ट करेंगे तभी जलाएंगे। ठीक है भाई, और भाई कुछ कमी है? चावल बना लेते तब तक है, जब तक हम कुछ लेके आना है। हाँ लेके क्या लाओगे? कुछ लेके आना है लाने के लिए मार्केट से, जहाँ बद्रवाह से मैं लेके आता हूँ। बद्रवाह से? हाँ जी। चल कोई आएगा तब तक तो हम बुक करेंगे। छड़ परे इतना गुस्सा नहीं करी था, छड़ ना। और भाई आसपास सारे लोग देख रहे हैं मैं से कि ये ना सारा सामान लेके आए हैं, कुकिंग शुकिंग कर रहे हैं, वो देख रहे जिंदगी की मजे से यही ले रहे हैं। बाकी वाले किस लिए आए हैं दुनिया में? जनगणना। जनगणना किसने बनाया है डायलॉग? कैसा लग रहा है भैया? रोज देखते थे वीडियो, बोल रहे हमारा मन करता है आज। मैंने उसी शो के लिए टेंट लेके रखा। अरे रिकॉर्ड कर रहे हैं? नहीं अब नहीं बोलना, घर वाले देख लेंगे, अब नहीं बोलना घर वाले। नहीं नहीं बता ही दो, आधी बात बता दी है। इसी शो के लिए टेंट लेके रखा था कि कैंपिंग करने जाएंगे कहीं, लेकिन मजा ही नहीं आता, कोई वैसा पार्टनर सा नहीं मिलता। और मैं ना आपके साथ ना एक ओहो नानी दूध भी बेचने होने तुसी आंटी कितने पैसे लेते हो आधा किलो दूध भैंस का मंज का? गाय का है, 20 रुपए किलो है? नहीं नहीं 50 रुपए किलो। हाँ आप 50 रुपए किलो के आते हैं, 25 रुपए। हाँ जी हाँ जी हाँ, पंजी पंजी नहीं दी तो 20 दे दो। पंजी पा हो गया है ना, पंजी नहीं देते तो 20 दे दो। देखो कितने इनोसेंट है, कह रहे 20 रुपए ही दे दो आधा लीटर। अच्छा आधा लीटर है, सो ये वैसे 25 बनते हैं, आप 20 दे दो। मीट नहीं खाते आप? हाँ जी नहीं मीट नहीं जी। खुम्बे 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 इधर सारे मीट वाले खुम्बे हो। स्वामी राधा स्वामी नहीं है, राधा स्वामी इतने पहुंचे नहीं। बेबान हमारे पंजाब से होते हां, ये चिंता में बेबान। अच्छा समझ आया क्या बोला आंटी ने? इन्होंने बोला इधर चिंता में बहुत सारे हैं। अच्छा चलो कोई तो नाम ढंग से लिए जाता है जो भैंस वाले है ना। आंटी असि भी नहीं खाने कदी कदी, असि भी राधा स्वामी कदी कदी नहीं छड़ दा, असि हुन ए नहीं छड़दा कुछ भी, तुसी खा लेने हो। राधा स्वामी हो गए, असि भी राधा स्वामी बन गए। राधा स्वामी का क्या मतलब हुआ, मुझे समझ नहीं आ रहा। राधा स्वामी मतलब क्या? प्याज लहसुन वगैरह कुछ भी नहीं, नॉन वेज मीट अंडा। हाँ भाई हम भी जो जमीन से चिपक के जो नहीं होगा ना वो सब खाएंगे। अच्छा पानी ये सामने है ना, ये नहीं लाना, ये गंदे ना, ना, गंदे इधर सब्जी धोई है बस। सब्जी तो आदमी धोते हैं। हाँ ठीक है भाई, मैं क्या बता रहा था, मैं बात ही भूल गया। अच्छा जी इनको भद्रवाही में बोल के सुनाओ कुछ गाना ही सुना दो कोई। दादी सुना दो कुछ गाने वाले ऊपर, गाने वाले चलो आप ऐसे कुछ ही बोल दो भद्रवाही में। दादी ने क्या पहनी हुई है भाई, ये चीज नोटिस करी आपने? दादी टोपी पाई है, टोपी पाई है ना।
ठंड है इतने भाई, बादल हो जाएंगे, ठंड हो जाएगी, सवेरे बहुत ठंड है, शाम सवेरे है ना। पानी भी पाना है ना, तो की नई टेक्निक आई है पानी डालना है भैया पानी केड़े पागल खाने से नीचे यार वही बढ़ जाड़ी रोटी रख दे यार की बस जल गई आग भाई सुन जीत भाई हाँ। जब वो आग जला रहा है तो क्यों पास बैठा, कोई और काम कर दे। हमें पानी डालो ऊपर, हट जा तू, ना तू ही कर ले प्रभु, नहीं आएगा वो लकड़ियां यार, तूने किसी से डाल दो ना भैया, पतीले से डाल दो, पतीला खाली हो जाएगा ना। हाँ। भाई चावल तो अपने बन चुके हैं और अर्श भाई ना नीचे बैठे हुए हैं, मैंने सोचा क्यों ना भाई को चेयर दी जाए। अर्श भाई इधर इधर बैठ यार, जितना इसे कंफर्टेबल होगा ना इतना ज्यादा खाना टेस्टी बनाता है। खुल गई, बड़ी जल्दी खुल गई यार, बैठो अर्श भैया। ओनली 500 रुपीस, प्रमोशन नहीं बोला मैंने इसकी। और भाई आज का दिन ना पूरा एंजॉय वाला हो रहा है, पूरा इसे बोलते हैं ना पूरा एंजॉय कर रहे हैं सच्ची, खाना भी बन रहा है, आपको भी मजा आ रहा होगा और हमें भी आ रहा है। और अभी बन रहा है अपने मटर और मशरूम और चावल, अपने यहाँ पे बन के रेडी हो चुके हैं, देखो क्या दाना दाना बने हुए हैं, दिख रहा है ना कितना मस्त बन रहा है, ढक के रखते हैं। ਰਾਏ ਖੱਪ ਮਚਾਂਦਾ ਬਸ ਇਹਦਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਖੱਪ ਮਚਾਣਾ ਇਹਦਾ ਤੋਂ ਬਚਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਅਸ਼ ਭਾਈ ਇਹ ਪੂਰੀ ਮਿਰਚੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਪੂਰੀ ਡਿਸੋਲਵ ਇਸਮੇ? ਹਾਂ ਡਿਸੋਲਵ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਤੂੰ ਡਿਸੋਲਵ ਮਤ ਕਰ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੇਟ ਬੜਾ ਕੇ। ਅਰਸ਼ ਭਾਈ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਮਜ਼ੇ ਸੇ ਖਾਤਾ ਹੈ ਬੁਨੀ ਹੋਈ ਮਿਰਚੀਆਂ ਨਾ ਅਰਸ਼ ਭਾਈ ਓਏ ਦੱਬ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਡਾਲ ਦੂੰ? ਹਾਂ ਇਹ ਡਾਲ ਦੂੰ? ਹਾਂ ਡਾਲ ਦੇ ਟਮਾਟਰ। ਓਏ ਇਹ ਰੁਕ ਜਾ, ਉਹ ਤੂੰ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾ, ਤੂੰ ਛੱਡ ਠੀਕ ਹੈ भाई। इस धूप का ना कोई पता नहीं चल रहा, अभी दो मिनट पहले ना ऐसा लग रहा था बारिश होने वाली है, इसी के चलते हमने प्लान बनाया कि जल्दी से खाना खा के निकलते हैं क्योंकि 5:30 भी हो चुके हैं और जीतू टाइम हो गया खाना और जीतू भाई को बाइक पे वापस जाना ना, ऐसा ना हो कि फिर से गीला हो जाए। और सलाद कट के भी रेडी हो चुका है, चलो मेरे दोस्त। ए भाई कितना मस्त लग रहा है ना दिखने में भाई, अपनी मशरूम और मटर की सब्जी। ठीक है मेरे दोस्त, अभी ना टेस्ट करके दिखाते हैं, वैसे लास्ट 2 दिन से ना मशरूम ही दिखा रहे हैं, कोई नहीं अभी टेस्ट लो। वैसे डाल दो दोनों है, सारे चले गए ना बाकी वाले। भाई चावल बड़े मस्त बने हैं ना, सूखे सूखे ऊपर रखे थे ना, सारा पानी सूख गया भाई, मानना पड़ेगा ऐसा खाना ना ओबराय होटल में मिलता होगा ना। भाई वहां से सीख के आया हो, आने वाले टाइम में मैं भी ऐसा खाना बनाया करूंगा ना। वैसे सर गई है, वैसे जो टीवी से देख रहे होंगे ना बड़ी बड़ी स्क्रीन पे, उन्हें भी भूख लगना शुरू हो चुकी होगी, जाओ खाओ जाके ओबराय होटल में। मेरा नंबर ना हमेशा इस पतीले में पता नहीं क्यों आता यार। चल ठीक है, बाहर नहीं बिक रहेगा ना भैया, चलो स्माइल करना है स्माइल करो ना सारे। अश भाई मुंह खोलना थोड़ा, तो भाई कुछ ऐसा ले जाता है थंबनेल कितना मस्त खाना बन रहा है यार। मैं चाहता हूँ आप सभी को इनवाइट करूँ, बट हमारे पास इतना खाना नहीं है, बट फिर भी यार आप ना वर्चुअली स्वाद लो, बड़ा टेस्टी बना होगा। कुछ मेरे दोस्त पतीले में खा रहे हैं, जैसे जैसे मिल रहा है ना। ओ भाई क्या मस्त वाली धूप निकली, अभी सारे चले गए हम ही बचे यहाँ पे, चलो भाई खा लेते हैं। अच्छा लून दे,
चलो भाई बाजी को पूछते हैं कैसा टेस्ट है। बाजी करिए तनिक टेस्ट तो करिए। ओहो भाई जी यूट्यूबर बन गए। जैसा मर्जी खाना हो हमेशा एक ही वर्ड बोलना है। बहुत बढ़िया ना। तो पूरा दिन हसीन वादियों में घूमने के बाद फाइनली अपने ठिकाने पे ना वापस आ चुके हैं। एंड कुछ ऐसा वाला नजारा है, मुझे पता आप सोच रहे होंगे यहाँ से तो उन्हें वीडियो स्टार्ट करी थी ये वैसा वाला लुक नहीं नजर आ रहा। दरअसल हमारा ना रूम अभी शिफ्ट हो चुका है नीचे वाली साइड। अच्छी जगह सही है यार नीचे वाली साइड, नहीं तो जीतू भाई को अकेले सोना पड़ रहा था ना। वैसे भी ऊपर बेड पे गिरने का डर रहता नीचे। डर नहीं होता है ना कि भाई जीतू भाई को क्यों कि नीचे सुला रहे हो आप खुद क्यों नहीं सो रहे। बस किसी ना किसी को सोना पड़ेगा। तीन है, एक तो सोए गई। अगर मैं सोगा बोलेंगे ये नहीं सुला दे। और लास्ट नाइट आपको ज्यादा ना मैं और जीतू भाई सुबह 3:45 बजे तक एडिटिंग कर रहे थे। अभी जैसे यहाँ पे पहुंचे ना सारे एडिटिंग करने के लिए लगे हुए हैं कि भाई जल्दी से एडिट हो जाए और कम से कम तब भी भाई 12 बज जाने हैं ना। अपलोड करना है, टाइटल लिखना है। दिख रहा है कितना मुश्किल हो रहा है यार। फिर भी आप वीडियो को लाइक नहीं करते, बट कोई नहीं। तो ठीक है मेरे दोस्त, मिलते हैं आपको कल नई वीडियो में। एंड भाई जी ने बहुत ज्यादा घुमाया, स्पेशल थैंक भाई जी का। थैंक यू। कुछ बोलना चाहोगे भाई जी? नहीं, जा माता आइए भद्रोहा हमारे विजिट कीजिए। बस बड़ी ब्यूटीफुल सिटी है भाई। हाँ। आसपास के एरिया नेक्स्ट लेवल भाई। अभी हमने ना एक जगह छोड़ी हुई है, वो शायद नहीं एक नहीं है दो तीन हो गई है। एक वो छोटा कैलाश हो गया, बदरी है, एक बदरी है, एक आगे भी तो है, एक पाप पुण्य वाला पहाड़ भी है, एक जहाँ गुलडंडा गए थे उसके आगे छतरगला हो रहा है वो मैंने करा हुआ है, उसके आगे सैथल भी करा। मतलब यार यहाँ जिधर भी निकल जाओगे ना व्यू ही व्यू है। थोड़ी है मैं दोस्त, मिलते हैं आपको कल नई वीडियो में। देखते हैं कल हमारा सफर कैसा रहता है। कल आपको बताना हम निकलेंगे सीधा अपने वो वर्ल्ड डेंजर रूट की ओर, टॉप 10 में आता है। तो ठीक है मैं दोस्त, फर्स्ट टाइम चैनल पे आए हो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना वीडियो को ज्यादा शेयर कर देना। तो ठीक है मैं दोस्त, गुड नाइट, टेक केयर, राधे राधे जी।